जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। जस्टिस वही बात, जस्टिस मुझे इंसाफ चाहिए, हम सबको मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। आई एम द डॉटर ऑफ लेट ASI गुलाब नबी खटाना, हु डाइड ऑन 19 मई। ठीक है, मैं ASI गुलाब नबी की बेटी हूँ जिनकी डेथ 19 को हो गई है, जो बिकॉज जो तहसीलदार है उन्होंने उसको हैरेस करा, फिजिकली इमोशनली टॉर्चर करा, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्होंने जो तहसीलदार है उसने मेरे फादर को मारा, गालियाँ दी, गंदे वर्ड यूज़ किए, उसने मेरे जो फादर हैं उसको अपने एप्लीकेशन दी लिख के, मेरे फादर को टॉर्चर करा, इमोशनली ब्लैकमेल करा कि जो ये जो मामला था ये लैंड डिस्प्यूट पे था, उन्होंने जो पेपर्स थे लैंड के उनको ज़बरदस्ती उसमें से गांव वालों को रोड दे रहे थे, जबकि हमने ऑलरेडी 5 फुट दी थी, वो बोल रहे थे कि 22 फुट दो। ये जो बात तो है बेटी उसको छोड़ो, अगली बात बता। इस वजह से मेरे फादर ने मना कर दिया कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ। उन्होंने तो तहसीलदार ने जबरदस्ती बोला कि या तो पेपर्स पे साइन करो अदरवाइज मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो वो मेरे पापा को उस दिन जेल ले भी गए, तो फिर शाम को छोड़ दिया। बोला क्या गलती है, शाम को छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे जो मेरे फादर तहसील ऑफिस गए एप्लीकेशन लिख के कि मेरा क्या जुर्म था जो आप मेरे को कल जेल भेज रहे थे, ऐसा क्या किया था मैंने, तो तहसीलदार ने वो एप्लीकेशन फाड़ के मेरे फादर के फेस पे फेंकी और उनको धक्का दिया, थप्पड़ लगा। और जब मेरे फादर वो जो पेपर्स के जो टूटे हुए वो थे टुकड़े वो उठाने लगे, तो उसने फिर से उठाया मेरे फादर को, फिर से मारा, फिर रूम में बंद करा जो उधर, फिर रूम में बंद करके मारा और फिर ऊपर से सेकंड जो फ्लोर था उधर से धक्का दिया नीचे। उस वजह से मेरे फादर को लगी पेट में, किडनी में लगी, ये डॉक्टर्स ने भी बोला है कि उनको पेट में लगी थी और इस वजह से उनको डिप्रेशन हो गया था, उनके ब्रेन में स्वेलिंग हो गई थी। तो उसी दिन मेरे फादर फिर अपने ड्यूटी पे गए और उन्होंने नहीं बस के। पटवारी का क्या नाम था? तहसीलदार का नाम है निसार अहमद रसूल। और पटवारी का? पटवारी का आप कहाँ से? उनकी पुलिस स्टेशन। हाँ, लेकिन उन्होंने मजबूर किया पुलिस स्टेशन। मैं टंगमर्ग से हूँ, मुझे सर इंसाफ चाहिए। मेरे घर वाले को तंग तलब करके इन्होंने मारा पीटा, मजबूर किया, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ कैसे हुई? उनकी डेथ ऐसे हुई, इन्होंने बोला या तो जेल जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उन्होंने ये तहसीलदार साहब ने तो मसला क्या था? मसला यही था कुछ, उन्होंने बोला मैं जब झगड़ा नहीं कुछ नहीं, मेरा नाम क्यों आ रहा है, एप्लीकेशन लिख के दी, मेरा क्या गलती है मुझे बताओ, किस जुर्म में मुझे आप इधर बंद कर रहे हो, मुझे अपनी ड्यूटी जाना, मैं झगड़े में नहीं कुछ नहीं, मेरे को क्यों मजबूर कर रहे हो आप। तो उन्होंने क्या किया, वो जो एप्लीकेशन दी कि मुझे ड्यूटी जाना है, उन्होंने वो फाड़ा, कागज़ फाड़ के उनके मुंह पर फेंका और रूम में बंद करके फिर उनकी खूब पिटाई की, फिर उनको ब्लैकमेल किया आप ये लिख के दो, और वो जो गाँव वाले थे उन्होंने भी मजबूर किया। डिस्प्यूट क्या था, मसला क्या था? वो रास्ते का था जिसमें मेरा घर वाला उस दिन ड्यूटी था, उनका कोई झगड़ा नहीं था, नहीं तहसीलदार के साथ, नहीं साहब के साथ कोई झगड़ा नहीं था, ऐसे ही उनको बंद कर दिया। किस वजह से बंद किया? अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं गवर्नर साहब से चाहती हूँ, मैं सबसे चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे घर वाले को अभी तक तहसीलदार साहब खुले में घूम रहे हैं और गाँव वाले बार बार आके टॉर्चर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं।